उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुरादाबाद के मास्टर प्लान को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय पर पत्रकार वार्ता के दौरान प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार द्वारा मास्टर प्लान 2021 को लेकर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई और कहा गया कि मुरादाबाद की विकास को रफ्तार को गति मिलने जा रही है। मंगलवार को मुरादाबाद की जनता के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक शुभ समाचार प्रसारित किया गया। प्राधिकरण कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि मुरादाबाद महायोजना 2031 का मास्टर प्लान कई वर्षों से लंबित पड़ा था। इस मास्टर प्लान का सन 2022 से लगातार गति देने का काम किया जा रहा था। मुरादाबाद की सम्मानित जनता से मास्टर प्लान पर सुझाव मांगे गए थे और मास्टर प्लान को कैसे परवान चढ़ाया जाए इस बिंदु को लेकर समय समय पर मुरादाबाद के उद्योगपतियों, डॉक्टर, समाज सेवी, टीचर्स और किसान भाइयों के साथ लगातार बैठकों के दौरान सुझाव लिए गए। पूरी तैयारी के बाद मास्टर प्लान की फाइल को लखनऊ भेज दिया गया, जिस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मास्टर प्लान को देखा गया और बिंदुवार मिले सुझावों के प्रस्ताव के बाद इस मास्टर प्लान 2031 पर मोहर लगा दी गई। मंगलवार को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय पर पत्रकारों के साथ वार्ता के दौरान प्राधिकरण उपाध्यक्ष शैलेश कुमार द्वारा बताया गया कि सर आज महायोजना का प्रस्ताव पास हुआ, जैसे आगे क्या कहना? देखिए, काफी समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। मुरादाबाद विकास क्षेत्र का जो मास्टर प्लान है 2031 का, उसके संबंध में और शासन स्तर से जो है आज ही हमें पत्र प्राप्त हुआ है। ये महायोजना अप्रूव कर दी गई है और आगामी 10 वर्षों के लिए जो भी कार्य योजना रहेगी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की, किन किन क्षेत्रों में किस किस प्रकार की एक्टिविटीज अलाउड होंगी और किस प्रकार के जो है प्रस्ताव इस महायोजना के माध्यम से फैसिलिटेट होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोगों ने यहाँ प्रेस ब्रीफिंग भी करी है और बड़े विस्तार से बताया है। बड़े ही प्रसन्नता का विषय है कि पिछले लगभग जो है 4 सालों से जो हमारी प्रक्रिया चल रही थी मास्टर प्लान बनाए जाने की, सर्वे से लेकर के अलग अलग जो स्टेक होल्डर थे उनके साथ में बातचीत करना, उनके कंसर्न्स जो थे उनको एड्रेस करना, आम जनता की जो है जनसुनवाई करना, उनके द्वारा जितने भी आपत्तियां सुझाव दिए गए थे उनका निस्तारण करना, शासन स्तर पर कई बार जो है प्रेजेंटेशन वगैरह हुए, कुछ सुझाव उनके यहाँ से आए थे, कुछ सुझाव हमारे जो है उद्यमियों के यहाँ से आए थे, कई सारे जो है हमारे जनसामान्य से भी सुझाव आए थे, सभी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते हुए बोर्ड के द्वारा जो मास्टर प्लान पास किया गया था वो फिर जब शासन गया फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम लोगों ने अभी इसी गत 13 जून को प्रेजेंटेशन भी किया था। उसके बाद से जो है महायोजना पास होने का पथ प्रशस्त हो गया था। आज जो है हम लोगों को उसकी ऑफिशियल एक तरीके से उसका अनुमोदन प्राप्त हो गया है और महायोजना जो है इसमें आज हम लोग सर्कुलेशन के माध्यम कोर्ट से भी करा रहे हैं और इसका जो है ये कल से महायोजना आपकी लागू हो जाएगी। सर, मुरादाबाद इस महायोजना के अंतर्गत क्या कुछ नया है? देखिए, कई सारे नए प्रस्ताव लिए गए हैं। मेन जो हमारा फोकस है वो एक तरीके से नए प्रोजेक्ट्स को लाने पर और साथ साथ जो है शहर में किस प्रकार से निवेश बढ़े, किस प्रकार से जो है रोजगार के साधन बढ़े, केवल एक ही चीज़ पे डिपेंडेंस ना हो, अलग अलग जो है हमारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा मिले, इस पर फोकस किया गया है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर उद्योग होते हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम होता है, तो एक तरफ जहाँ उनको फैसिलिटेशन करने की बात की गई है, मेगा MSME क्लस्टर का प्रावधान किया गया है, साथ ही साथ जो है जो शिल्प ग्राम है उसकी स्थापना के लिए बात कही गई है, साथ ही साथ यहाँ पर जो शैक्षणिक गतिविधियाँ उनको बढ़ावा मिले तो इसके लिए नॉलेज सिटी का भी प्रावधान है, यहाँ का जो एक तरीके से मेडिको हब है उसको बढ़ावा मिले और ये एक अपने आप में जो है मेडिकल फैसिलिटीज का हब बने, उसके लिए हम लोगों ने मेडिसिटी का प्रावधान किया है। जो हमारे शहर के आउटर एरियाज हैं, खासकर जो हाईवे वगैरह का क्षेत्र है, वहाँ पर भविष्य में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आए या इंडस्ट्रियल पार्क आए, वहाँ पर जो है लॉजिस्टिक्स पार्क आए, इसकी व्यवस्था भी मास्टर प्लान में की गई है। सबसे बड़ी बात, जो यहाँ का SEZ था वो एक तरीके से शहर से बाहर स्थित था और अलग थलग था, कनेक्टिविटी केवल एक रोड के माध्यम से थी, तो यहाँ के उद्यमी थे उनके अनुरोध पर हमारे बोर्ड ने एक इस पर कॉल ली और उन्होंने जो है शहर के साथ उसको इंटीग्रेट करने के लिए एक प्रावधान मास्टर प्लान में किया है, जिसके तहत शहर का जो मुख्य हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है उसको 36 मीटर रोड के माध्यम से उसको जोड़ा जाएगा SEZ के साथ में, उसके दोनों तरफ जो है एक एकीकृत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना के लिए भी जो है इस महायोजना में प्लान किया गया है। दिल्ली रोड पर जो है व्यावसायिक गतिविधियाँ आ रही हैं उसको देखते हुए व्यावसायिक क्षेत्र का चिन्हांकन किया गया है, साथ ही साथ जो है दिल्ली रोड, रामपुर रोड और कांट रोड पर जो हमारा पहले से एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें जो है उसको विकास क्षेत्र की सीमा तक बढ़ाए जाने का भी निर्णय लिया गया था, जिसको जो है मास्टर प्लान में इनकॉर्पोरेट किया गया है। इसके अलावा जो है विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं जिससे कि जो हमारी आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो डाइवर्सीफाई हो, तो
तो उसके लिए हम लोगों ने आयुष पार्क, यहाँ पर शुगर केन प्रोसेसिंग क्लस्टर है, इस तरह के प्रोजेक्ट भी इसमें शामिल किए हैं। तो सब प्रकार से जो है, साथ ही साथ जो हम लोगों ने एक रिंग रोड का प्रावधान किया था 60 मीटर चौड़ी, जो कि जो है दिल्ली रोड को काठ रोड से जोड़ते हुए रामपुर रोड तक जोड़ेगी नॉर्थ की तरफ से शहर के, उसका निर्माण कार्य भी NHAI की तरफ आरम्भ कर दिया गया है। उसकी संकल्पना भी इसी महायोजना को बनाने के दौरान की गई थी। तो सब मिलाकर के जब यहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी, औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी, तो क्षेत्र के जो हमारे आर्टिजन्स हैं उनको भी रोजगार मिलेगा, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर बहुत सारा निवेश भी जो है लोकल के माध्यम से और बाहर से भी जो है हम लोगों को निवेश लाने में मदद मिलेगी। हम लोगों ने साथ ही साथ जो है उसमें एक मेगा टाउनशिप जो कि पहले से हम लोगों ने प्लान कर रखी है, उसका भी उसमें चिन्हांकन किया हुआ है जो शिवालिक के नाम से आ रही है। इसके अलावा एक औद्योगिक टाउनशिप भी प्राधिकरण लेके आएगा 130 हेक्टेयर की लाकड़ी फाजलपुर और चकमदिल्लापुर वाले एरिया में। साथ ही साथ दिल्ली रोड पर भी एक जो है अत्यंत महत्वाकांक्षी हमारी टाउनशिप मनोहरपुर और मंगूपुरा वाले क्षेत्र में आ रही है। तो इस प्रकार से जो है चाहे वो आवासीय सुविधाएं हों, चाहे औद्योगिक जो है विकास की बात हो, चाहे जो है सामुदायिक सुविधाओं की बात हो, इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने फोकस किया है। और जो हमारे व्यावसायिक कार्य हैं उन सबको भी हम लोगों ने किया है। एक नया प्रावधान जो इस बार जोड़ा गया है वो बाजार स्ट्रीट का प्रावधान है, जो हमारे एग्जिस्टिंग आवासीय क्षेत्र हैं जहाँ पर किसी प्रकार का लेआउट इत्यादि नहीं है, लेकिन काफ़ी वेल डेवलप्ड वहाँ पर मार्केट क्षेत्र है, तो उसके लिए शासन ने विशेष प्रावधान भी किया था बाजार स्ट्रीट लगाने का। तो उसके तहत जो है ऐसे क्षेत्रों में जो भूतल होता है वहाँ पर अपना जो है कुछ छोटे स्तर की व्यवसायिक गतिविधि भी की जा सकती है, इस शर्त के साथ कि ऊपर के जो अनुवर्ती तल हैं वहाँ पर जो है रेजिडेंशियल लैंड यूज ही रहेगा, रेजिडेंशियल उसका क्रियाओं का ही वहाँ पर कार्य किया जाएगा। तो इस प्रकार के प्रावधान भी महायोजना में किए गए हैं। साथ ही साथ जो यहाँ का नदी का क्षेत्र है या यहाँ के जो जलाशय हैं उनको भी संरक्षित करने का, और साथ में एक पर्यटन स्थल यहाँ पे डेवलप हो इको टूरिज्म और नेचर पार्क के रूप में, साथ साथ जो है जो नदी के किनारे का एरिया है वहाँ पर भविष्य में एक रिवर फ्रंट भी डेवलप किया जा सके, इस तरह के प्रावधान जो है इस महायोजना में किए गए हैं। शहर का जो एक तरीके से भौतिक अवस्थापना का कार्य है, चाहे वो सड़कों का कार्य हो, महायोजना मार्ग हो, चाहे जो है इसके जल निकासी का प्रबंध हो, चाहे जो है ट्रांसपोर्ट व्यवस्थाएं हो, हम लोगों ने 3 अलग अलग बस टर्मिनल्स की भी स्थापना, ट्रक टर्मिनल्स की स्थापना के लिए भी प्रस्ताव दिया है, एक संभल रोड पर, एक रामपुर रोड पर, और एक जो प्रस्तावित नया बाईपास है जो कि दिल्ली रोड और कांठ रोड को भी जो है सर्व करेगा, तो इसकी स्थापना के लिए भी हम लोगों ने इसमें प्रावधान किया है। जो मछली मंडी है या इसके अलावा जो है जो कैटल कॉलोनी है उसको शहर से बाहर की तरफ हम लोगों ने प्रस्तावित किया, जिससे कि पशुपालकों को और मत्स्य पालकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना।